28 सितंबर को शुरू होगा बीसलपुर का रामलीला मेला। रामलीला मेले में सबसे पहले पहुंचा मौत का कुआं। मेला कमेटी ने तैयारियां की शुरू। इस बार भव्य ढंग से होगा रामलीला मेले का आयोजन। मेले में तरह तरह के खेल तमाशे भी लगाए गए जाएंगे। मेला कमेटी के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने दी जानकारी। बीसलपुर के लाइफलाइन अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज। एक दिन में किए गए 5 ऑपरेशन। क्षेत्रीय जनता के लिए राहत पहुंचा रहा लाइफलाइन अस्पताल। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू वार्ड उपलब्ध है। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर की देखरेख में हो रहा इलाज। बरेली मंडल के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सतीश हफ्ते के 3 दिन बीसलपुर लाइफलाइन अस्पताल में रहते हैं मौजूद। बीसलपुर रामपुरा मार्ग का नगर पालिका करवाएगी निर्माण कार्य। शमशान घाट तक पड़ेगा सीसी मार्ग। निर्माण कार्य शुरू होने पर क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल। चेयरमैन प्रतिनिधि अमन जायसवाल ने किन ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के दिए निर्देश। मोहल्लेवासी व क्षेत्र की जनता में भाजपा नेता एवं चेयरमैन अमन जायसवाल निक्की का किया आभार व्यक्त। बीसलपुर के बाबा गुलेश्वरनाथ शिव मंदिर में निर्माण कार्य को लेकर लगे 4 चांद। गुलेश्वरनाथ मंदिर में निर्माण कार्य को लेकर तैयारियां हुई तेज। चेयरमैन प्रतिनिधि अमन जायसवाल ने निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। ठेकेदार को जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। बाबा गुलेश्वरनाथ शिव मंदिर में गर्भगृह के पीछे कांवरियों एवं श्रद्धालुओं के लिए बनेंगे 2 बड़े हॉल। हॉल में लगेंगे एसी। आम जनता में खुशी का माहौल। जिले में हुई ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही पुलिस। चप्पा चप्पा पर पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस चला रही सघन चेकिंग अभियान। पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे ने बताया अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्र में हुई चोरी और लूट की घटनाओं का जल्द होगा खुलासा। लूट की घटनाओं का खुलासा करने को लेकर दिखाई दिया पुलिस अधीक्षक सख्त। आगरा से स्केच आर्टिस्ट बुलाकर जहानाबाद लूटकांड में शामिल आरोपी का बनवाया गया स्केच। तो वहीं बरखेड़ा में 2 आरोपियों की तस्वीरें आई सामने। सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का दिया जाएगा नगद इनाम। पूरनपुर में चंगेज खान के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन। खोला मोर्चा तहसील परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। जहां एक तरफ लगातार चंगेज खान की तरफ से एक समुदाय के लोग आवाज़ उठा रहे थे, तो वहीं अब हिंदूवादी संगठनों ने चंगेज खान के विरोध में खोल दिया मोर्चा।